हाँ बिल्कुल, तीन नियम, बिल्कुल तीन नियम अगर आपको पता है तो आपको डिग्री में कोई हरा नहीं सकता। पहला नियम, सुपरलेटिव से कंपरेटिव बनाना, उसका रूल। दूसरा नियम है सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, और तीसरा आपको हम पढ़ाने वाले हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पर आप बने रहें और भरपूर आनंद ले हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोग जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से और देखिए इस महामाराथन की क्लास शुरू हो चुकी है आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं लिखा है पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। बोर्ड पर लिखा है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, यानी आज हम आपको अध्ययन कराएंगे कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 4 में पढ़ा दिया है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन रूल है, तीन रूल को अगर आप अध्ययन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो डिग्री में तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता, डिग्री आपका गुलाम बनकर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रूल है आपका ये पॉजिटिव का, ठीक है, रूल है आपका ये सुपरलेटिव डिग्री का, यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे उसका हमने यहाँ पर रूल लिखा हुआ। इसी रूल को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से बन जाएगा आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि उस पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब, जो आपका वर्ब दिया होगा हेल्पिंग वर्ब उसको लिख लेंगे, देन आपका सुपरलेटिव डिग्री लिख लेंगे और नो अदर के बाद का शेष वाक्य लिख लेंगे। अगर ऐसा आप सबमिट कर देते हैं तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सेंटेंस आपको कुछ ऐसे दिए हुए हैं जिसका अगर आप अध्ययन करते हैं, ठीक है, आपको विधवा से आप अध्ययन कर लीजिए, बार बार पढ़ने से मतलब है कि ये कई बार खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको आत्मसात हो जाएगा, फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और इसको आप अध्ययन करिए। पहला सेंटेंस देखे दिया, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज वाइज एज राम। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान हमने बताया था कि जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, यानी एडजेक्टिव की जो अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, वाइजर उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट हो जाएगा सबसे बुद्धिमान। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसको पहचानने के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो आपको एज या सो के क्या हो रहा है, दोनों तरफ से घिरा होता है। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव पे लिखेंगे क्या, हम सुपरलेटिव बना देंगे, ठीक। अब देखो सबसे पहले जो आपका रूल कह रहा है उसी रूल को आप फॉलो करिए। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर राम, तो लिख देंगे आप राम हो गया। फिर वर्ब लिखना है, इसमें वर्ब क्या दिया है, इज है, तो इज लिख देंगे, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नो अदर के बाद का शेष वाक्य लिख देंगे, तो नो अदर के बाद का शेष वाक्य क्या, बॉय इन द क्लास, बन गया आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री। चलिए कर जब दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका है, राम, ये हो गया आपका, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ये हो गया आपका राम, ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या दिया है, इज, तो हो जाएगा आपका इज, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, और ध्यान दीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा राम इज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट, ठीक है। अब हो गया, अब लिखना क्या, नो अदर के बाद का शेष वाक्य, नो अदर के बाद का शेष वाक्य देख लीजिए क्या है, बॉय इन द क्लास, हो गया आपका, लिख देंगे बॉय इन द क्लास, ये बन गया आपका। देखो राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तीन रूल केवल आप लोग याद रख लीजिए, सुपरलेटिव से कंपरेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, और पॉजिटिव से बनाना हो आपको सुपरलेटिव, ठीक है। तीन नियम अगर आपको याद रहेंगे तो कोई भी परीक्षा हो उस परीक्षा को आप आसानी से बीट कर जाएंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ठीक है, अधूरा ज्ञान न ले, आपसे रिक्वेस्ट है, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, पूरा ज्ञान ले, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, नो अदर गर्ल इन द फैमिली वाज एज ब्यूटीफुल एज ए सीमा, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या दिया, देखो इसमें पॉजिटिव डिग्री दिया ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल
क्या होगा, कंपरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव क्या जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, चलिए इसको करिए, आप स्वयं करिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि सबसे पहले ले दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है सीमा, तो लिख दिया है आपने सीमा। ठीक है, सीमा हो गया। ठीक, ये भी आपका क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। सीमा के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या दिया यहाँ पर, वाज, आपने लिख दिया वाज। ठीक, आप सुपरलेटिव डिग्री लिखना है तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, देख लो आप यहाँ पर, यहाँ पर भी आ जाया है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसकी पहचान यही है कि एडजेक्टिव की पहली अवस्था होगी और दोनों जो है एज या सो से क्या होगा, वो बधा होगा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है, अब वाक्य की शुरुआत किससे होती है, नो अदर से होती है, ये चीज हमने पार्ट फोर में ही बता दी। शुरू करते हैं, देखो सीमावास सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे, लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया। अब क्या लिखना है, नो अदर के बाद का शेष वाक्य, देख लो नो अदर के बाद का शेष वाक्य क्या दिया है, गर्ल इन द फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गर्ल इन द फैमिली, बन गया आपका, बन गया सेंटेंस क्या, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री, सीमा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द फैमिली। ठीक, समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल से कोई भी चीज पढ़ाया जाता है तो एक रूल के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे आपको बताया जाएगा, जैसे कि बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह आएगा। कोई भी चीज उठाकर देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, वॉयस हो, नरेशन हो, मच मोर कोई भी चीज हो, वहां पर देखेंगे तो बिल्कुल एक सलीके ढंग से आपको मिलेगा, बीच में कोई कटिंग नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, इसके बाद एनालाइज करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो अदर स्टूडेंट इन माय विलेज इज एज टॉल एज गोपाल। अब ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, वाक्य की शुरुआत नो अदर से हुई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या दिया है, टॉल। ठीक है, एडजेक्टिव की पहली अवस्था टॉल, कंपैरेटिव हो जाएगा टॉलर और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। ठीक है, एज सो से या एज से क्या है, बदा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, बनाइए इसको, सब्जेक्ट क्या दिया है, सब्जेक्ट है आपका गोपाल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गोपाल, ठीक, गोपाल हो गया। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या दिया है, देखो यहाँ पर इज, इज हो गया। आप सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसका हो जाएगा द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हो गया। अब नो अदर के बाद का शेष वाक्य ले दो, नो अदर क्या दिया है, इसके बाद शेष वाक्य देखो, स्टूडेंट इन माय विलेज, ये हो जाएगा स्टूडेंट इन माय विलेज, हो गया आपका, बन गया सेंटेंस आपका, गोपाल इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन माय विलेज। ठीक है, अगला सेंटेंस आप देखिए, नो अदर बॉय इन अवर क्लास इज एज गुड एज राम। अब देखिए यहां पर इसको बनाने के लिए, यहां पर भी दिया है आपका गुड, गुड का होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होता है आपका बेस्ट। इसको भी बनाएंगे, बहुत आसान है, रूल का सहारा लीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका राम, ये हो गया आपका राम। वर्ब क्या दिया है, देखो वर्ब दिया है इज, राम इज हो गया। सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, देखो गुड बेटर बेस्ट, राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब लिखे नो अदर के बाद का शेष वाक्य था, नो अदर के बाद क्या, बॉय इन अवर क्लास, ये हो जाएगा आपका बॉय इन अवर क्लास, ये बन गया आपका राम इज, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है,
बन गया राम इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ठीक, कितना आसान है आपने देखा। अगर आपको तीन रूल आप याद रखते हैं तो आपको आने वाली कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता, डिग्री आपका गुलाम बन जाएगा, एकदम गुलाम बनकर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पार्ट फाइव के अंतर्गत हमने आपको बताया कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस रूल को क्या करेंगे, इस रूल को आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद आ जाएगा, परीक्षा में भी बैठेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि सब्जेक्ट लिखना है वर्ब सुपरलेटिव डिग्री और नो अदर के बाद क्या शेष वाक्य, बाकी लिख देंगे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा वो आसानी से बन जाएगा। तो ये रहा आप लोगों को पार्ट फाइव के अंतर्गत पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाए जाते हैं जब आप दिया हो वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पर द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, लेकिन जो अगला डिग्री आपको पढ़ाएंगे उसमें दिया होगा वन ऑफ द का प्रयोग किया होगा तो वहां पर जो है नियम कुछ अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करिए और चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि परीक्षा जो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। यहाँ से आप लोगों को जो है पिछले साल के पेपरों पर आधारित कुछ ऐसे टिप्स आपको दिए जाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, यहाँ तक ले देखने के लिए आप लोगों का।